जेब्रा केक बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर और दूध बैटर बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब हमेशा की तरह पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये गई हमारी पिसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे आप ऑयल की जगह बटर या घर में बने देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वनीला एसेंस भी डाल देते हैं। अब हम इसमें दूध मिला लेंगे और एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर स्मूथ बने। लीजिए, हमारा एक स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब एक बोल में कोको पाउडर डाल दीजिए। कोको पाउडर में लम्स होते हैं तो हमेशा इस तरीके से छन्नी से छान के ही डालें, वरना हमारे बैटर में लम्स आ जाएंगे और सारा मजा खराब हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने चॉकलेट केक का बैटर भी तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारे दोनों बैटर्स तैयार हैं। केक को बेक करने के लिए मैंने एक माइक्रोवेव सेफ बोल लिया है और ये 1/3 कप है। इस 1/3 कप का और चॉकलेट केक के बैटर की स्पून का साइज सेम है। अब हम इस 1/3 कप से इस वनीला केक का बैटर लेंगे और बीच में डाल देंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। अब चॉकलेट केक का बैटर लेंगे और वनीला केक के बैटर के बिल्कुल बीचों बीच डाल देंगे। इस प्रोसेस को हम बैटर के खत्म होने तक बार बार रिपीट करते रहेंगे और जेब्रा केक की लेयर्स अपने आप बनती चली जाएंगी। ये देखिए, हमारी लेयर्स बनके तैयार हैं। अब हम इस केक को 5 मिनट के लिए हाई पावर पर माइक्रोवेव करेंगे। लीजिए, हमारा खूबसूरत सा जेब्रा केक बनके तैयार है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये आसानी से निकल आए। थोड़ा सा बैटर बच गया था तो ये मैंने अपने लिए मग केक बना लिया। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है। वाओ, कुछ भी कहिए, फ्रेशली बेक चॉकलेटी जेब्रा मग केक खाने का मजा ही कुछ और है। ये देखिए, इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत लग रही है। चलिए, केक को भी मोल्ड से निकाल लेते हैं। एक प्लेट को मोल्ड के ऊपर रख दीजिए और इस तरीके से पलट दीजिए। ये देखिए, जेब्रा केक कितनी आसानी से निकल गया। अब ये बटर पेपर हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट साइड पे बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए, केक काट भी लेते हैं और देखते हैं अंदर की लेयर्स कैसी बनी। देखिए, केक कितना सॉफ्ट है। एंड वाओ,